हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं टेक म्यूजिक का मिस्टीरियस वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ अमेजिंग फैक्ट लेके आता ही रहता हूं, पर मैं 2-3 दिनों से फैक्ट नहीं लेके आया, यानी वीडियो अपलोड नहीं की, पर मैं आज कुछ अमेजिंग फैक्ट लेके आया हूं जो आपको जानना आवश्यक है। तो इस वीडियो को बिना स्वाइप किए लास्ट तक देखना ना भूलें, ताकि मैं जो फैक्ट लेके आया हूं ना वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और उसके पास जो बेल आइकन आएगा ना उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे चलो 3 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। फैक्ट नंबर 1, आपको टिड्डे के बारे में पता है? कि आपको ये पता है कि टिड्डा दुनिया का सबसे नुकसानदेह कीड़ा रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं। उनका जो बड़ा झुंड होता है ना, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 20,000 टन अनाज और पौधे सफाचट कर सकते हैं। मतलब उनका जो बड़ा झुंड होता है वो सिर्फ एक ही दिन में 20,000 टन अनाज सफाचट कर सकते हैं। है ना ये चौंकाने वाला फैक्ट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको ऑक्टोपस के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। बीते वर्षों में जर्मनी के एक, मतलब जो जर्मनी है ना, उसके एक ऑक्टोपस पोल की भविष्यवाणी ने भी, जो भविष्यवाणी थी ना उसने काफ़ी चर्चाएं बटोरी थी। गत फीफा विश्व कप 2010 में इस ऑक्टोपस पोल की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। दरअसल पोल द्वारा अपने भोजन के बॉक्स पर रखे गए फ्लैग चुनने के आधार पर यह भविष्यवाणी की गई थी। फैक्ट नंबर 3, आप दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जानते ही होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिक थे। मैं आपको उनके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको ये पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो आंखें थी वो आज भी न्यूयॉर्क सिटी में सुरक्षित रखी हुई है। फैक्ट नंबर 4, आपको मच्छर के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। आपको लगता होगा कि मच्छर थोड़ा सा खून पीते हैं, मच्छर आपका थोड़ा सा खून पीते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 12 लाख मच्छर मिलकर आपका पूरा खून चूस जाएंगे। और आपको बता दें कि मच्छर ओ ग्रुप का खून चूसना पसंद करते हैं, ओ ग्रुप का। फैक्ट नंबर 5, मैं आपको एक मुजरिम, जो कैदी होता है ना, जेल का कैदी, उसको जो फांसी दी जाती है वो फैक्ट बताने जा रहा हूँ। किसी भी मुजरिम से ना उसकी आखिरी इच्छा पूछे बिना उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जो मुजरिम होता है ना उसकी आखिरी इच्छा पूछे बिना उसे फांसी नहीं दी जा सकती। उसकी आखिरी इच्छा में अपने घर वालों से मिलना या कोई ख़ास चीज़ खाना या फिर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना शामिल होता है। हाँ, आखिरी इच्छा पूछे बिना उससे फांसी दी ही नहीं जा सकती। आपने देखा होगा मूवी में जो कैदी को फांसी देते हैं ना, तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, बिना उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछे बिना उसे फांसी नहीं देते हैं। उसी प्रकार यह फैक्ट भी है, उसे आखिरी इच्छा पूछे बिना उसे फांसी नहीं दे सकते। अभी जो मैंने बताया कोई ख़ास चीज़ खाना या फिर धर्म ग्रंथ पढ़ना, यही शामिल होता है उसमें। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें।